ऑलराइट सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में एंड नया डे है, तो यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की परफेक्ट ब्लॉगिंग। सो भाई, तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज दिखाने वाला हूँ, तो आप फटाक से देख लो। तो ये थी एमसी स्टैंड वाले टी शर्ट। सो भाई, तो अभी हम लोग राजकोट के साइड रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए, तो अभी तो बहुत दूर है द्वारका। और एक अपडेट आप लोगों को ये देने वाली थी कि हम लोग सुबह में जल्दी नहीं उठ पाए, तो इसकी वजह से हम लोग चोटीला नहीं चढ़ पाए, तो हम लोगों ने बस नीचे से ही दर्शन कर लिए और फटाक से वहाँ से निकल गए हैं। सो भाई, तो अभी फटाक से चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे हर्ष पंड्या की बहुत याद आ रही है, बिकॉज मुझे कब से गंदी वाली भूख लगी थी, तो जाता हूँ फटाक से। चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि आप लोग देख सकते हो कि धुआं निकल रहा है अंदर से। मैं तो डर गई, पता नहीं गाइस यहाँ की चाय बहुत ही कड़वी लग रही है हम दोनों को। इन लोगों को तो बहुत अच्छी लगी, पता नहीं बहुत ही कड़वा स्वाद है इसका, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट लगता है हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ही ब्रश कर लिया। तीन दिन तो दो कप चाय पी गया। नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है, पर अभी जो मिला वो अच्छा है। सो हे गाइस, हमें अभी यहाँ पर एक जेली फिश दिखी है, तो आप लोगों ने शायद ही देखी होगी, ये एक जेली फिश है डूड। ये रे, आप देख सकते हो, वाह तक है। ये देखो, गाइस तो अभी हम लोग द्वारका पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेट द्वारका जा रहे हैं, फिर वहां से नाव में बैठकर द्वारका मंदिर तक जाएंगे। सो भाई, तो आप लोग देखो, लोग देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी नाव वगैरह है। When you dress up for the night and I don't say a word, it's not that I don't notice, but still you should have heard. Complacent in the way I see you every day. Well, I don't wanna throw this away. Well, I hope that you know that I hear it, don't let it show. तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि मंदिर तो 4 बजे खुलने वाला है, तो हमें किधर जाना है, क्या करना है, कुछ भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग पहली बार ही आए हैं ना डूड। सो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना बोर्ड, जो बोर्ड आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पर यही लिखा हुआ था कि हम लोग अंदर फ़ोन कैमरा या कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो बात तो हो गई मतलब ख़त्म कि हम लोग अंदर शूट नहीं कर पाएंगे और मैं करूँगा भी नहीं। सो भाई, तो अभी सीधा मैं अंदर जाकर दर्शन करके वापस आता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। जैसे ही 4 बजे मंदिर खुलता है तो वैसे यहाँ पर पब्लिक जमा हो जाती है। कृष्ण भगवान चलिया, कड़ी ने बताने तू तू बताए ना गाड़ी में, आप दिखाओ बजाकर। अरे नंगता तू करे
आ गया तुझे तो अभी हम लोग बेट द्वारका में हैं, शायद मैंने आप लोगों को आगे बताया होगा। तो यहाँ पर हमारे दर्शन कम्प्लीटली हो चुके हैं और मैंने यहाँ से एक शंख खरीदा जो मुझे मतलब वही शॉप वाले ने सिखा भी दिया कैसे बजाते हैं। सो भाई, तो फिर अभी हम लोग यहीं पे रील बनाएंगे और फिर जाएंगे द्वारका जो मेन मंदिर में लोग जाते हैं वहाँ पर। सो भाई, तो अभी बेट द्वारका से जाने का वक्त हो चुका है, तो हम लोग द्वारका में जाएंगे और वहाँ पर एक रूम खरीदेंगे और आज की नाइट बस यहीं पर रहने वाली है। तो हम लोग शायद मैं नाइट में मैं मतलब व्लॉग बनाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ का सीन क्या है क्या नहीं। सो भाई, तो मैं यहाँ पर अभी पहली बार ही आया हूँ। यहाँ पर आने के टाइम भी बहुत ही पब्लिक थी, जाने के टाइम भी यहाँ पर बहुत ही पब्लिक हो रही है। सो भाई, तो अभी हमें पता नहीं है हम किस वाली नाव में जाने वाले हैं। पब्लिक देख रहे हो ना, ये सब वो वाली नाव में बैठने वाला है। तो ये तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा पब्लिक आने वाली है यहाँ पर। अभी हम लोग बेट द्वारका से द्वारका आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बस बाजार में ऐसे ही खड़े सोच रहे हैं कि क्या खाए क्या नहीं। सो भाई, तो अभी कुछ पता चल नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ, बट कुछ नहीं, अभी जाने दो। सो भाई, तो अभी हम लोग मंदिर में भी नहीं गए, तो पहले कुछ खा लेते उसके बाद सोचेंगे। गौस आज पूरी रात मंदिर खुला ही रहने वाला है, तो हम कभी भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग द्वारका के बाजार में घूम रहे हैं और मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ का बाजार मतलब देख ही सकते हो आप कितनी चहल पहल हो रही है यहाँ पर और लाइटिंग भी हो रही है। तो हे गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए है, तो ये वाला व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।